बनाने के लिए हमें चाहिए 6 आलू, 2 बारीक कटे टमाटर, 2 बारीक कटी शिमला मिर्च और 3 बारीक कटी प्याज और 4 हरी मिर्च। उसके बाद हमें चाहिए उबली हुई मटर और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना दिया है। तो हम गैस पे सबसे पहले शिमला मिर्च को रोस्ट करेंगे, फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो। यहाँ पे बारीक कटे टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे और टमाटर हरी मिर्च को अच्छे से हम यहाँ पे चला लेंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। गल चुके हैं तो हम यहाँ पे अब मटर डालेंगे। डालने के बाद हम यहाँ पे 6 बॉईल आलू डालेंगे मैश करके। चुके हैं और अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे बाकी सारी सब्जियों के साथ, इसे भी मिक्स कर देंगे। एक टीस्पून ऑफ बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें 1 से 2 चम्मच पाव भाजी मसाला भी डाल देंगे। हमने यहाँ पे कैच का पाव भाजी मसाला यूज़ करा है, आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं। डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो सारी सब्जियों में अच्छे से घुल जाए और फिर हम एक पोटैटो मैशर लेके पूरी सब्जी को अच्छे से मैश कर लेंगे। मेक श्योर कि आप इसमें अभी पानी ना डालें, अगर आपने अभी पानी डाल दिया तो वो मैश होने में बहुत टाइम लेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कढ़ाई को यूज़ करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आप कोई सा भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं अपने उसमें आप उसे यूज़ कर लीजिए। अब फिर हमने यहाँ पे बटर डाला है और बटर डालने के बाद हमने उसमें प्याज डाल दी है। अब हम उसे अच्छे से फ्राई करेंगे अंटिल वो पूरी ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें प्रिपेयर्ड अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। फिर हमने इसमें फूड कलर डाला है, ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम इसमें प्रिपेयर्ड भाजी डालेंगे एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें पानी डालेंगे। आप इसमें 1 से 2 ग्लास पानी डाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख के डालिएगा। अगर आपको पतली खानी है तो आप ज़्यादा पानी डालिए, अगर आपको गाढ़ी खानी है तो आप कम पानी डालिए। हमने यहाँ पे 1 से 2 कप पानी डाला है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देख पे लेमन जूस डाला है, हमने यहाँ पे 1 लेमन का यूज़ किया है और हमने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट और डाला है और हमने यहाँ पे कसूरी मेथी यूज़ करी। उसे 3 मिनट चलाने के बाद हमारी भाजी कुछ ऐसी दिखेगी। इसलिए आप यहाँ पे एक तवा लें और उसमें बटर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए, उससे फ्लेवर आता है। आप चाहे तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बाउल सेक देंगे और ज़्यादा नहीं सेकने हैं वरना ये क्रंची अच्छी होगा। हमारी होममेड पाव भाजी बनके तैयार है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं।